और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने BGMI का एक न्यू RP ग्लिच के बारे में। वैसे कोई ग्लिच नहीं है, ये हमारा BGMI का एक न्यू सिस्टम है, बट बहुत से लोगों को लग रहा है ये ग्लिच है, फिर उनके अकाउंट में कुछ ऐसा गलत सीन हो गया है, फिर बोल सकते हो हैक वैक, जो भी हो, मतलब लोगों की थिंकिंग अलग अलग है। तो जिनको ऑलरेडी पता है इस चीज़ के बारे में, RP फ्रोजन के बारे में, तो आप वीडियो को लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट हेड कमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को बस उन्हीं के लिए बनाया गया जिनको इसके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे देखो, मैं आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक रैंक पुश हो रहा है। अगर आप स्कोर के अंदर करते हो तो आपको सोलो एंड डीओ के अंदर ऑटोमेटिक रैंक इंक्रीज होगा। तो ये आई थिंक हमारे हिसाब से ये BGMI अपडेट 1.8 का सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे जो हैकर्स थे इनको कंट्रोल करने के लिए जो भी इनका न्यू मैचिंग रूल्स आया था। एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्क्वाड के अंदर पुश कर लेते हो, तो अगर आपको सोलो एंड डीओ खेलना है तो यहाँ पे लगभग आपके कैटेगरी के बंदे आने चाहिए। सो इसी के लिए यहाँ पे मतलब ये लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका टायर पुश करके देते हैं, ताकि आपको नूब लोबी ना लगे। क्योंकि अगर आप ए से या फिर कॉनकर लोबी में आ जाते हो स्क्वाड के अंदर एंड यहाँ पे आप सोलो खेलने जाओगे, तो आपका ब्रोंज टायर रहेगा, तो सारे के सारे आपको बोर्ड्स मिलेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग टायर को मैनेजमेंट करके अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइज कर रहे हैं। एंड आई थिंक डायमंड के ऊपर ये नहीं जाने वाला है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सोलो में डायमंड के ऊपर आप नहीं जा सकते, ऑटोमेटिक डायमंड के ऊपर नहीं जा सकते। मतलब अगर आप स्कोर कौन कौन कर लेते हो तो सोलो में आपका डायमंड ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा, एंड डीओ के अंदर भी डायमंड पुश हो जाएगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अभी बात कर लेते हैं अपने RP के बारे में। यहाँ पे मैं आपको RP सेक्शन में लेकर चलता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो मिशंस के अंदर, तो week 3 हमारा स्टार्ट है, जो भी है, मतलब week 2 अभी चल रहा है। तो मेरे पास EZ लाइसेंस है, week 3 यहाँ पे शो हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो RP जितने भी है मेरे सारे के सारे फ्रोजन हो चुके हैं। तो बहुत से लोगों को इससे को लेकर दिक्कत हो रही है, एंड बहुत से लोगों को लग रहा है भाई ये फिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं सिंपली आपको बता दूँ, ये फिक्स नहीं हो सकता है। ये क्राफ्टरों ने तो कुछ नहीं बताया, मतलब यहाँ पे BGMI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं किया था। बट यहाँ पे अपना जो PUBG मोबाइल है, जब इन्होंने अपडेट 1.8 का पैच नोट्स रिलीज किया था, वहाँ पे इसके बारे में फुल डिटेल के साथ कवर कर लिया था उन्होंने। उन्होंने बताया था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर या फिर अपडेट 1.8 के अंदर आपको कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे RP पॉइंट लिमिट एंड ये सब जो भी यहाँ पे फ्रोजन ओरोजन करके जो भी ये सब सिस्टम आ रहा है, ये सब उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। बट BGMI वाले पता नहीं किस नशे में थे, इन्होंने न तो भाई अभी तक पैच नोट्स रिलीज किया, ना ही कुछ और। मतलब भाई पैच नोट्स भी इन्होंने अभी तक रिलीज नहीं किया ऑफिशियली। एंड अपडेट आने के बाद लगभग 2 दिन बाद, यहाँ सॉरी 3 दिन बाद इन्होंने पैच नोट्स डाला, वो भी टोटल के टोटल, मतलब पैच नोट्स नहीं बोल सकते उसको, एक बोल सकते ये लोग टीजर या फिर ट्रेलर डाले पूरा आफ्टर मैथ के ऊपर। मतलब भाई इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है गेमर्स के लिए। एंड ऊपर से लोग M4 ग्लेशियर भी गायब कर दे रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि M4 ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलने वाली है। BGMI के अंदर ये रिटर्न तो जरूर आएगा, कन्फर्म है। लेकिन अगर आप क्लासिक क्रेड सेव करके रख रहे हो M4 ग्लेशियर के लिए, तो बस मैं आपको इतना बोल देना चाहता हूँ, क्लासिक क्रेड आप सेव मत करो। बस आप इतना समझ सकते हो बस, बाकी मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। बाकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा M4 ग्लेशियर आपको कहाँ पे देखने को मिलने वाली है, जो कि कंफर्म हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ है क्या। तो यहाँ पे फ्रोजन आपका तभी होगा जब यहाँ पे आप RP पॉइंट लिमिट रीच कर जाओगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 2550 पॉइंट जो है, ये मेरा पूरा टोटल है। एंड हो सकता है कि आपका पॉइंट कम हो यहाँ पे 2550 के बजाय, यहाँ पे आपका 1880 ऐसा समथिंग होगा, इसलिए आपका week 2 अनलॉक होगा। बहुत से कम बंदों का week 2 होगा, बाकी सबका week 3 ही अनलॉक होगा। तो यहाँ पे अगर आप EZ लाइसेंस बाय कर लेते हो तो यहाँ पे आपका week 4 भी अनलॉक हो जाएगा। तो आप week 4 अनलॉक होने के बाद यहाँ पे 3375 RP पॉइंट आप इंक्रीज कर सकते हो टोटल। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका ये फ्रोजन जो आपका हुआ है, मतलब ये आपका अनलॉक कब होने वाला है। यहाँ पे आप week 4 के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट काउंटडाउन 2 दिन 22 हावर्स, मतलब टोटल यहाँ पे आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी फिलहाल के लिए 3 दिन टोटल बचा है। तो 3 दिन के बाद यहाँ पे आपका ये जो फ्रोजन मिशन है ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। इनको आप अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट नहीं कर सकते, पूरी तरह ये फ्रीज हो चुके हैं। तो आपका 3 दिन बाद ये सारे मिशन एक्टिवेट हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आप इनको कंप्लीट करके कलेक्ट कर सकते हो। अभी ना तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ना ही कलेक्ट कर सकते हो। ये चीज इन्होंने बहुत ही घटिया चीज कर दी है मेरे हिसाब से। भाई जब इनको ये सब करना ही था तो भाई मिशंस क्यों दिए, RP क्यों दिए? मतलब भाई ये चीज इनको गेम के अंदर ऐड करने की क्या जरूरत थी? हैकर्स को कंट्रोल करने के लिए इसमें कौन सी हैकिंग हो रही है, इसमें क्या मतलब भाई प्लेयर अपने मन से यहाँ पे अपना RP भी इंक्रीज ना कर सके। मतलब इनका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ, इनका मेन मोटिव यही है कि भाई जो गेमर्स है वो गेम को टाइम दे। एंड इसी के चलते भाई PUBG भी बैन हुआ था, इन्होंने शेड्यूल टाइम रखा था भाई 2 घंटे 3 घंटे गेम को खेलो, उसके बाद यहाँ पे उनको नोटिफिकेशन दिया जाता था गेमर्स को। बट ये लोग नोटिफिकेशन तो पता नहीं, मुझे तो नहीं मिला, इसलिए अपने 18 के ऊपर ऐसा जो भी अपना सिस्टम रखे, मतलब मेरे हिसाब से जो 18 के नीचे रखे होंगे तो उनको नोटिफिकेशन जरूर आती होगी 2-3 घंटे गेम खेलने के बाद। लेकिन इनका मेन मोटिव यही है कि गेमर्स गेम को टाइम दे, मतलब
डेली ऑलमोस्ट 2-3 घंटा तो जरूर टाइम दें, इनका कहने का मतलब यही है। इसीलिए ये लोग आरपी पॉइंट लिमिट रखें ताकि कोई भी बंदा एक वीक के अंदर सारे मिशंस ना कंप्लीट कर सके। बहुत से बंदे ऐसे होते थे जो कि वीक 1 वीक 2 वीक 3 को इग्नोर करके डायरेक्टली वीक 4 में अपनी गेम को ऑन करते थे एंड पूरे वीक 4 के मिशंस को एक ही झटके में कंप्लीट कर देते थे ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर ही कंटिन्यू गेम खेल के। तो ये चीज़ यही चीज़ इसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ऐसा सिस्टम ऐड किया है। बाकी फिलहाल के लिए इसके ऊपर और भी रिसर्च चल रही है, जैसे कुछ पता चलता है फ्रोजन का क्या सिस्टम है तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। बाकी जितना मैंने आपको सब कुछ बताया, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन एकदम बिल्कुल राइट है एंड एकदम करेक्ट है। एंड बाकी M4 ग्लेशियर की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कोई आपका फ्रेंड पूछता भाई फ्रोजन क्या है, आरपी फ्रोजन क्या है, मेरा फ्रीज हो गया, ग्लिच हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ऐसी वीडियो देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ख्याल रखना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड